इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए बीसीए का जो एग्जाम चल रहा है उसमें हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए 22 माइनस 1 बी 342 एंड सी 706। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लेन में दिया हुआ तीन पॉइंट है। तीन पॉइंट क्या है? एक है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ए प्लेन पर पॉइंट है। तो पिछले क्लास में लोग बताए थे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन होता है ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई, बी इंटू होता है वाई माइनस वाई वन और प्लस होता है सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, जहाँ पर एक्स वन वाई वन जेड वन प्लेन का पॉइंट है। तो कोई एक पॉइंट को मान लीजिए कि ए पॉइंट प्लेन में है तो ए प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ए टू टू माइनस वन लाइज ऑन द प्लेन है, ऑन द प्लेन। अगर ये प्लेन पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब कि हम x1 y1 पार्ट z1 जो पार्टिकुलर वैल्यू है तो इसको हम x1 y1 z1 ले लिए कि x1 y1 z1 एक पार्टिकुलर वैल्यू है। तब एक x1 के जगह 2 रख देंगे, y1 के जगह 2 और z1 के जगह हम माइनस 1 रख देंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा प्लस b इंटू वाई माइनस 2 हो जाएगा और प्लस सी इंटू जेड माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, इतना इक्वल टू जीरो। अब देखिए कि दूसरा पॉइंट बी भी जो है वह लाई कर रहा है प्लेन पर, तो ये भी इक्वेशन को एक्स वाई जेड के वैल्यू को ही सेटिस्फाइड करेगा। बी थ्री फोर टू लाई ऑन द प्लेन है, ये प्लेन पर लाई कर रहा है। जब प्लेन पर लाई करेगा तो थ्री एक्स के जगह थ्री रहेगा, वाई के जगह फोर और जेड के जगह वन पुट कर देंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा प्लेन में अगर पॉइंट है। तो एक्स के जगह क्या पुट करेंगे? थ्री। तो ए इंटू हो जाएगा थ्री माइनस टू प्लस बी इंटू, देखिए वाई का कोऑर्डिनेट कितना है? फोर। तो फोर माइनस टू और प्लस सी हो जाएगा, यहाँ टू है तो सी इंटू टू प्लस वन हो जाएगा, इतना इक्वल टू जीरो, इतना इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है 706, इसको भी रखेंगे। तो इससे एक इक्वेशन बिकम्स कर गया जिसको हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन वन कर देंगे। और यहाँ से क्या हो गया? थ्री माइनस टू तो ये हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा 4 माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा 2b, और यहाँ पर है 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा प्लस 3c, इतना इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन 2 कर दिए। अब देखिए कि तीसरा पॉइंट 706 भी लाई कर रहा है इस प्लेन पर, तो x के जगह 7 हो जाएगा, y के जगह 0 है और z के जगह 6 है, तो वैल्यू पुट करेंगे। तो सिंस सी 706 also lies on the plane है, lies on the plane है, ये plane पर lie कर रहा है। तो plane पर lie कर रहा है तो plane के equation को satisfied करेगा, यानी कि x के जगह वैल्यू 7 पुट करेंगे तो a इंटू हो जाएगा यहाँ 7 माइनस 2 प्लस b इंटू हो जाएगा 0 माइनस 2 और प्लस c इंटू हो जाएगा 6 प्लस 1, इतना इक्वल टू हो जाएगा 0। तो फिर यह इक्वेशन क्या आ जाएगा? 5a माइनस हो जाएगा 2b और प्लस हो जाएगा 7c, इतना इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन थर्ड कर दिए। अब ये दोनों से सेकेंड और थर्ड से abc का वैल्यू निकाल कर इक्वेशन वन में अगर हम पुट कर देते हैं तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन वन हम बाद में लिखेंगे। इक्वेशन वन है a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू y माइनस 2 प्लस c इंटू है z प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करके हम उस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, किसको? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल जाएगा। तो सॉल्विंग 1 एंड 2
बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मेथड। तो ये देखिए यहाँ ए है, प्लस हो गया 2b, 2 वाला इक्वेशन प्लस 3c, इतना इक्वल टू 0 है। और फिर है 5a माइनस 2b प्लस 7c इक्वल टू 0 है। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखिए a ले लिए, तो a लेंगे तो ये दोनों नहीं रहेगा, इसका कोफिशियंट b का कोफिशियंट, b का कोफिशियंट 2 और यहाँ 7, तो 7 × 2 14 हो जाएगा। रूल है इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, पहले भी बताए थे। और यहाँ माइनस साइन लगता है, लेकिन −2 × 3 अगर लगाओ तो −2 × 3 − 6, तो −−+6 हो जाएगा। अब b जब लेते हैं तो b का कोफिशियंट जब होता है उल्टा चलेगा, रिवर्स चलेगा, 5 × 3 तो 15 हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 7 × 1, चूँकि a का कोफिशियंट यहाँ 1 है, इक्वल टू हो जाएगा c बाई, अब देखो सी का है तो यहाँ ए का कोफिशियंट 1 है, तो 1 × −2 − 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 × 2 − 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे कि इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल जाएगा, और पूरी संभावना है कि इस बार के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए। तो ए बाई कितना हो गया, ए बाई हो जाएगा 20, इतना इक्वल टू हो जाएगा बी बाई 8, और सी बाई हो जाएगा −12। तो देखिए इसमें 4 कॉमन हो रहा है, तो 4 कॉमन हो रहा है रेशियो में है, तो 4 कॉमन रह रहा है, तो 4 को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ a बाई 5 हो जाएगा इक्वल टू b बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू c बाई −3 हो जाएगा। ये रेशियो में है तो इसको मान लिए कि k के इक्वल है, कॉन्स्टेंट से कर दिए, तब a का वैल्यू जो होगा, a का वैल्यू हो जाएगा 5k, बी का वैल्यू हो जाएगा 2k, और सी का वैल्यू हो जाएगा −3k। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी का वैल्यू निकल गया, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो वन इक्वेशन हमारा कितना था, तो वन इक्वेशन था a × x − 2 प्लस b × था y − 2 प्लस c × था z + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कि ए बी सी का वैल्यू क्या आया हमको, a का वैल्यू 5k है, तो हो जाएगा 5k × x − 2 प्लस, देखिए यहाँ b का वैल्यू 2k है, तो प्लस हो जाएगा 2k × y − 2 प्लस c का वैल्यू है −3k, तो −3k × हो जाएगा z + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कि k सभी में है, तो k को कॉमन लेके 0 के तरफ ले जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो यहाँ 5 से गुना होगा, तो 5x- हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 2y − 4 माइनस हो जाएगा 3z − 3 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 5x + 2y − 3z, आई कितना हो जाएगा 14 − 17 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हो जाएगा विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन इस पर बनता है कि 4 पॉइंट दिया रहेगा प्लेन में, तो कहेगा कि कोप्लेनर दिखाइए, तो इस जैसे ही बताए हैं उसी तरह से तीनों पॉइंट से इक्वेशन निकाल दीजिएगा, और चौथा पॉइंट के इसके LHS के वैल्यू में डाल दीजिएगा, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा तो कोप्लेनर होगा, अगर नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो कोप्लेनर नहीं होगा। तो इस पर संभावना बनता है कि यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए। इस फिर अगला क्लास में दूसरा क्वेश्चन बताएंगे।